हम 7th क्लास कैसे हैं आप सब। इंग्लिश बी का लेक्चर है आप लोगों का। डेट आज हमारे पास 1 अप्रैल 2021 है और जो डे है हमारे पास आज का थर्सडे है। कल हमने एप्लीकेशन की थी और आज हमने लेटर करना है। राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर मनी। आपने अपने वालिद को ख़त लिखना है। किसके लिए? पैसों के लिए, कि वो आपको पैसे भेजें। स्टार्ट करेंगे हम साइट से ही। पेज के फर्स्टली लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। पैटर्न आप लोगों को पता है, आप लोग पिछली क्लास में भी बताया हुआ है आपको, आप लोग करके आए हैं। फर्स्टली एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, उसके आगे कोमा, फिर सिटी ए बी सी, इसमें डॉट आएगा। फिर आपने मंथ का नेम लिखना है अप्रैल, जो भी डेट होगी, फिर कोमा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 2020 21 या 2020 जो भी आपका ईयर चल रहा है वो लिखना है। डियर फादर, प्यारे अबू जान, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। ग्लैड का मतलब खुशी होगी। टू नो जानकर, टू नो ये वाला हैव नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। डैट के आई हैव पास्ड, के मैं पास कर चुका हूँ द 6th क्लास एग्जामिनेशन विथ क्रेडिट। 6th क्लास के जो इम्तहान हैं अच्छे नंबरों से, ठीक है। कि आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने 6th क्लास के इम्तहान को बड़े अच्छे तरीके से पास कर लिया है। आई गॉट 688 मार्क्स, मैंने 688 नंबर हासिल किए हैं। एंड डिक्लेयर्ड 2nd इन द क्लास, और क्लास में दूसरे नंबर पर या दूसरी पोजीशन आई है। आई हैव वन अ प्राइस ऑल्सो, मैं मुझे एक इनाम भी मिला है या मैंने एक इनाम भी जीता है। आई एम नाउ सिटिंग इन द 7th क्लास, अब मैं 7वीं जमात में हूँ। आई हैव टू बाई बुक्स, नोटबुक्स एंड न्यू यूनिफॉर्म, मुझे नई किताबें, कॉपियाँ और नया यूनिफॉर्म ख़रीदना है। आई नीड 5, यहाँ पे आप 5000 भी लिख सकते हैं, कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए। प्लीज़ सेंड मी दिस सम एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो मुझे ये पैसे भेज दें। माई काइंड रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड बाजी ताहिरा, के मेरा काइंड, मेरे जो रिगार्ड्स है, मेरा सलाम है वो प्यारी अम्मी जान और बाजी ताहिरा को देना। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। या आपने यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर क्या लिखेंगी, लड़के सन लिखेंगे और लड़कियाँ क्या लिखेंगी, डॉटर लिखेंगी। नीचे आपने फिर XYZ लिखना है। इसी पैटर्न से आपने अपनी कॉपीज़ पर ही ऐसे लिखना है और साथ में याद भी करना है।